लव्य व्यवस्था अध्याय पांच, लव्य व्यवस्था अध्याय पांच, दोष बलि की विधि। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचार शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा, और जब वह इन बातों में से किसी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो पंडुकी व कबूतरी के दो बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, और वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा, और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि वह दो पंडुकी व कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का दसवां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे अथवा याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष किनाई याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए ले आए, उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेंढा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेंढा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में किया प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा, यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि
वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा।